सो हेलो ट्रेडिस इस वीडियो में बात करने वाले अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस अब देखिए लास्ट डे दे, मतलब फ्राइडे के दिन पे मार्केट ने अपने को दिखाया थर्सडे के दिन पे छुट्टी थी ग्लोबल मार्केट दिख रहा था कि अच्छा खासा नीचे की तरफ आया है कम से कम अपने को निफ्टी जो है 300 400 पॉइंट के आसपास नीचे गैप डाउन मिलेगा बट लास्ट में हम लोगों ने देखा थर्सडे के दिन पे इवनिंग में मार्केट ने कवर अप कर दिया और हम लोगों का गैप डाउन तो खुला निफ्टी खुलते ही हम लोगों ने देखा जो एक्साइटमेंट थी सेल करना है खुलते ही वो वगैरह करना है स्टार्टिंग में ऐसा मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिखाया कि जो भी सेलर्स थे एक्साइटेड सेलर्स थे उनको पूरा किकआउट किया किकआउट करने के बाद तो हम लोगों ने देखा मार्केट ने स्टेप बाय स्टेप डाउन साइड कामेंट दिखाया अब कल हम लोगों का मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद फिर ग्लोबल मार्केट टीसीएस की रिजल्ट आई मिक्स्ड रिजल्ट है ना इसको हम एक्सट्रीम अच्छी कहेंगे ना एक्सट्रीम बुरी कहेंगे और हम लो लोग ग्लोबल मार्केट एज ऑफ नाउ देख रहे हैं तो अगेन फ्राइडे के दिन पे इवनिंग में मार्केट हुआ है वो और ऑलमोस्ट पांच पॉइंट के आसपास डोर नीचे की तरफ क्लोज हुआ हम लोग गिफ्ट निफ्टी लगभग सौ एक सौ पॉइंट के आसपास माइनस बता रहा है तो मंडे के दिन जो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हमारा नीचे की तरफ खुल सकता है तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे अपना प्लान होना चाहिए फॉर मंडे Okay, तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि मेरा क्या रहा पोजीशन तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास बाय पोजीशन पड़ा हुआ है उसको मैंने एग्जिट किया 203 पॉइंट माइनस पे और उसके बाद फिर एक छोटा सा सेल ट्रेड मिला मार्केट कंटिन्यू मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था अच्छा खासा मेरा ये वाला लॉस कवर भी कर रहा था वो फिफ्टी से ज्यादा बट कहीं ना कहीं मार्केट वहां से रिवर्स थ्रू हो गया और मैंने यहाँ पर छोटा लॉस कहीं बुक किया अब इशू क्या हो रहा है मैं आपको मेरा ओपन पोजिशन दिखा रहा हूँ ना लेट से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेल पड़ा हुआ है एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं और आपके पास भी इनके सेल पड़ा हुआ है तो दिक्कत क्या हो रही है कमेंट सेक्शन में लोग आगे लिखने रहे कि क्या आपने एग्जिट कर दिया नहीं किया क्या किया क्या नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है और गलत ट्रेड में वो मेरी वजह से बैठ जा रहे हैं तो मैंने डिसाइड किया कि भैया जब ट्रेड खत्म हो जाएगा तब तो मैं आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं आप मेरे तरफ से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाओ कि आपको भी सेल साइड रुके रहने आप मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है क्या है कभी आपको देखेगा मेरे छोटे लॉसिस हो रहे हैं कभी आपको देखेगा मेरे बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे जब तक आप स्नपर ग्रुप में नहीं हो तो इसको प्लीज उस हिसाब से मत दिखेगा मैं आपको मेरा सिर्फ परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ डोंट वरी आपको मैं टाइम टू टाइम पीएनएल भी अपना दिखाते रहूँगा उसका भी दिक्कत नहीं है सिर्फ मैं एज ऑफ नाउ एक्सेल दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्जैक्टली मेरा अभी एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर स्टेटस क्या है आप देखो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट अपने को दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ड माइनस फोर सेवेंटी फाइव जैसे कि मैंने आपको बताया पांच सौ पॉइंट के आसपास माइनस हुआ है गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर माइनस वन थर्टी फोर के आसपास क्लोज हुआ है अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की है मैं यहाँ आप पर आपको बता रहा हूँ मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट लाइक स्नैपर मेरा क्यों नहीं रहा है क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रहा तो अप्रैल से मैंने डेटा निकाली शायद आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया तो एक बार मैं आपको एक समझा देता हूँ एक्जैक्टली चल क्या रहा है मार्केट के अंदर क्यों बहुत अपने को तकलीफ दे रहा है मार्केट ठीक है उसको हम समझेंगे यहाँ पर तो देखो फर्स्ट अप्रैल यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है फर्स्ट अप्रैल के दिन पे पर क्या हुआ मार्केट गैप अप खुला गैप अप खुलने के बाद क्या फॉलो थ्रू हुआ नहीं हुआ कहीं ना कहीं यहीं पे साइडवेज हो गया करेक्ट तो यहां पर पैसा बनाना डिफिकल्ट था लेट से अप्रैल को क्या हुआ सेकंड अप्रैल को यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुला फॉलो थ्रू नहीं हुआ ऊपर की तरफ एक स्पाइक आया फिर यहां पर साइडवेज हो गया करेक्ट उसके बाद हम थर्ड अप्रैल की बात करें गैप डाउन खुला फॉलो थ्रू हुआ नहीं हुआ मार्केट कहीं ना कहीं यहां से एक चलो लेट्स से मैं ब्रेकआउट पकड़ता हूं तो यहां पर 100-200 पॉइंट के आसपास का मोमेंट दिया फिर कुछ नहीं हुआ लेट्स से यहाँ पर मार्केट फिर फोर्थ ऑफ अप्रैल को गैप अप खुला क्या फॉलो थ्रू हुआ उसके बाद नीचे की तरफ नहीं हुआ थोड़ा बहुत नीचे की तरफ क्या है यहाँ पर सौ डेढ़ सौ पॉइंट दो सौ पॉइंट आसपास तो मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर कर गया मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन यहाँ पर नहीं हुआ एक इकलौता फिफ्थ ऑफ अप्रैल है जहां पर मार्केट लगभग लग लग फ्लैटिश ओपन हुआ और वहां से एक ट्रेंडी डे अपने को दिया हुआ है उसके बाद कोई भी दिन आप उठा के देखिए चाहे कोई भी दिन हो चाहे लेटेस्ट वाला दिन भी अब अगर यहां पर आप देखोगे ना आप कहोगे कि सर कल तो ट्रेंडिंग वाला डे था कल क्यों नहीं पैसे बने तो देखो मैं यहां पर आपको समझाता हूं गैप डाउन खुला मार्केट ठीक है मार्केट यहां नहीं खुला भैया यहां खुला मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ये स्ट्रेट इतना बड़ा रिकवरी अभी कितने पॉइंट्स की रिकवरी है वो आप पहले समझो ठीक है ये जो एक्चुअल ट्रेडर है ना उसको समझ में आएगा ये पॉइंट पे लगभग 200 सौ सवा दो पॉइंट की रिकवरी है खुलने के बाद ठीक है एक दिक्कत यहां पर कि खुलने के बाद सवा दो पॉइंट की रिकवरी यहां पर आ रही है चलो ठीक है वो भी एक्सेप्टेड कि हम ऊपर के लेवल पे हम प्लान करेंगे या लेट से यहां से लोवा हाई लोवर लोस लो ने शॉर्ट टाइम पे बना मैंने यहां पर सेल किया करेक्ट सिंपल है डाउन ट्रेंड हुआ मैं यहां ब्रेक डाउन के ऊपर सेल करूंगा ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस होगा नीचे का मेरा टारगेट होगा प्लेन एंड सिंपल प्राइस एक्शन अब उसमें दिक्कत क्या हो रहा है उसमें दिक्कत ये हो रही है कि रिट्रेसमेंट बहुत बढ़िया जा रही है रिट्रेसमेंट अगर आप यहां देखोगे ये दिन का टॉप है ये दिन का वहां पर जब बॉटम बना अब यहां पर आप देखो सिक्स वन एट लेवल से ज्यादा पर रिट्रेसमेंट आ रही तो ये कहीं ना दिक्कत है कि ट्रेंड अगर बन भी रहा है ना तो रिट्रेसमेंट इतनी आ रही है कि आपका ट्रेल स्टॉप डेफिनेटली तो ले तो भी जाएगा अब मैं भी यहीं पे, सेलिंग पे था ये आपको जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अच्छा खासा प्रॉफिट बता रहा था फिफ्टी परसेंट लॉस भी कवर कर दिया फिर उसके बाद जो ये शार्प रिकवरी आई तो मैंने यहां पर एग्जिट कर दिया मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस था यहां पर मैंने यहां एग्जिट कर दिया क्योंकि पता था कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मोमेंटम यहां पर पकड़ते हुए बैठा है ये गिरने से ज्यादा पहले एक बार एक क्या करेगा एक बार जो यहां पर सैलर जो जमा हुए हैं जो देखो थर्सडे के दिन पे फ्राइडे वेन्सडे वेन्सडे के दिन मार्केट गिरा गिरा वहाँ पर अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट हम लोगों ने देखा थर्सडे के दिन पे हॉलीडे था उसमें एक्सपेक्टेशन था कि और गिर सकता है मार्केट फ्राइडे के दिन पे हुआ क्या 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 सिर्फ अपने यहाँ पर हल्का फुल्का गैप डाउन खुलते ही पूरा का पूरा रिकवरी यहाँ पर करते हुए दे दिया तो उसके बाद जब नीचे की तरफ मार्केट आया तो यहाँ पर बहुत लोग एक्साइटेड थे सेल करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पर सपोर्ट लेवल टेस्ट हो सकता है वो एक्साइटेड था कि नीचे के लेवल जो है टेस्ट हो सकते हैं पर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि ये अच्छा खासा रिप्लेसमेंट इस लेवल के ऊपर दे दिया तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं जो हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ मार्केट है पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम अभी है तो है एक्सेप्ट करना है अपने को लॉसेज है तो है आई होप द पॉइंट इसके लिए आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया या नहीं हुआ मेरा काम है आपको बताना कि ये दिक्कतें चल रही है एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर तो चलिए अभी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एज ऑफ नाउ मंडे के दिन पे अपने को यहाँ पर क्या करना है देखो यहाँ पर क्लोज तो हुआ है फाइव के आसपास लगभग सवा से डेढ़ पॉइंट की प्रॉबेबिलिटी है कि कल के दिन मंडे के दिन पे मार्केट गैप डाउन यहां पर खुल सकता है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल्स कहाँ है हम लोगों के निफ्टी के तो हम इसके लिए क्या करेंगे ये बॉटम जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और जहां तक इसने टॉप बनाया रिसेंटली हम यहां पर एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे अब मार्केट जो है तकरीबन हमारा 23.6 परसेंट के आसपास कर रहा है दूसरा सपोर्ट जो है हमारा 38.2 परसेंट जहां पर दो चीजें आके बैठी है एक ये सपोर्ट जोन जाके बैठा है यहां पर जहां से मार्केट ने बाउंस किया है यहां से भी बाउंस किया है साथ में अपना थर्टी लेवल भी आके यहाँ पर बैठा है ट्वेंटी इज द लेवल ठीक है इसको ब्रेक करता है तो अगेन फिर ये वाला जोन है फिफ्टी वाला जोन यहां पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ट्वेंटी टू क्ट आई होप द पॉइंट इज होपॉइट इपोर्ट लेव कहा है तो आप इस लेवल्स पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो सेल करना क्योंकि वो सपोर्ट लेवल है एक बार को वो बाउंस की तरफ यहां पर आ सकता है मार्केट बाउंस होने के बाद फिर रिट्रेसमेंट करते हो, नीचे की तरफ मार्केट यहां पर आ सकता है आई होप द पॉइंट इज कले की दोनों सपोर्ट लेवल है इसको आपको यहां पर याद रखना है अब हम लोगों का एक्जेक्टली exactly प्लान कैसा होगा कि हम कैसे प्लान करें तो देखो एज ऑफ नाउ मैं यहां पर पकड़ के चल रहा हूं कि किल्स से कि कल के दिन पे हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो फ्लैट अगर ओपन होता है तो उस केस में यहां पर हम क्या करेंगे टॉप टू बॉटम हमने फिबोनाची ड्रॉ किया अब जो मेजर हर्डल है एज ऑफ नाउ करंट क्लोजिंग चार्ट के ऊपर हमको दिख रहा है यहां पर वो हर्डल जो है वो कहां है अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है वो इस जोन के आसपास है यहां से बाउंस हुआ यहां से बाउंस हुआ यहां से बाउंस हुआ और मार्केट ने फाइनली ये लेवल को ब्रेक कर दिया करेक्ट अब अगर आप इस जोन को देखोगे तो ये 50 परसेंट वाला जोन भी आके यहां पर बैठा है कौन सा लेवल है ये डबल टू सिक्स फोर जीरो अगर इसको क्रॉस करता है लेट कल फ्लैट खुला मार्केट ऊपर की तरफ आया या गैप अप खुल गया मार्केट और डबल टू सिक्स फोर जीरो को क्रॉस करता है तो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं डबल टू सेवन सेवन हंड्रेड एंड यहां पर हमारा जो लाइफ टाइम आया है दैट इज सेवन टू डबल टू सेवन एट जीरो आई होप द पॉइंट डिज क्लियर फ्लैट खुलता है तो अपने को क्या करना अब अपने को तो ये आइडिया कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल सकता है तो उस केस में आप क्या करें तो देखो अब कितना गैप डाउन खुल रहा है ये तो अजमशन वाली चीज है करेक्ट हम एक एक आइडिया लगा देंगे पर let's say, for example, यहाँ पर कि लेट से फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर 130 पॉइंट या 150 पॉइंट 130-35 पॉइंट के आसपास पकड़ लेते हैं जो अपने को यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 140 पॉइंट्स के आसपास करेक्ट तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा ये ऐसा हो गया करेक्ट अब यहां पर देखिए इस जोन पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या था यहां पर पहले मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है करेक्ट। से मार्केट गया। अब सीधा यहां पर गैप डाउन खुलेगा अब ये डाउन खुलेगा तो इस लेवल्स पे क्या करेगा ये ये रिजेक्शन फेस करेगा पहले सपोर्ट फेस कर रहा था यहां पर सपोर्ट कर रहा था मार्केट अब दोबारा इस लेवल्स पे आएगा तो यहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा कौन सा लेवल ये डबल टू फोर सिक्स जीरो ओके अब अगर आपको डिटेल्स चाहिए लेट से फॉर एग्जाम्पल कल यहाँ खुल गया या यहाँ खुल गया तो फिर कौन सा रिजेक्शन लेवल बैठता है तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फोटो फ्लैश हो रहा होगा वहां पर मैं जो भी लाइव मार्केट में मुझे दिखता है उस पर मैं कमेंट्री करते रहता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए आप उससे आइडिया ले सकते हो और अपने ट्रेडिंग में अपना अप्लाई कर सकते हो ओके तो ये सिंपल सा फंडा हो गया कि एक पॉइंट में माइनस करता हूँ यहाँ पर नीचे आता है तो ये लेवल निकल के आता है एज ऑफ नाउ ट्वेंटी टू फोर सिक्सटी लेवल पे जिसपे दो चीजें हैं पहले सपोर्ट लेवल था अभी रिजेक्शन की तरह काम कर सकता है दूसरा 23.6 परसेंट वाला लेवल इस जोन के आसपास है तो कहीं ना कहीं यहां पर डबल कंफर्मेशन है तीसरा आपने को यहां पर क्या करना है सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहां खुला ऐसा जा रहा है मार्केट यहां ब्रेक डाउन दिया छोटा स्टॉप लॉस और यहां पर हम लोग नीचे का वन डे शो टू का यहां पर प्लान करते हुए काम कर सकते हैं सिंपल हो गया बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है यहां पर अपने को किस हिसाब से देखना है तो देखो बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ यहां पर सपोर्ट लेवल्स के आसपास ये अपना सपोर्ट लेवल है ओके ये सपोर्ट लिया ऊपर ऊपर की की तरफ तरफ गया गया सपोर्ट लिया की गया, यहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा हो कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है इतनी हार्ड कोर क्लोजिंग नहीं दी है कि ये सपोर्ट लेवल को उसने ब्रेक कर दिया एज ऑफ नाउ सपोर्ट लेवल्स पे वो क्लोज हुआ करेक्ट तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम यहां पर ये यह हमारा रीसेंट जो है बना हुआ है कहां से बना हुआ है रीसेंट यहां से बना हुआ है या थोड़ा सा पीछे एक सेकंड में देख लेता हूं ओके okay, रीसेंट लो यहां पर दिख रहा है आपने को ये बॉटम टू टॉप हमने यहां पर ड्रॉ किया करेक्ट यहां से मार्केट ने ये नीचे की तरफ आया यहां से फिर वन साइड मोमेंटम अपसाइड दिखाया तो दिस इज अवर बॉटम पॉइंट एंड दिस इज अवर टॉप पॉइंट ठीक है अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे कि 28 uh, 23.6 कुछ यहां पर एक्शन उसने थर्टी टू परसेंट पे यहाँ पर कुछ है नहीं कुछ नहीं है यहाँ पर फिफ्टी परसेंट वाले अगर जोन हम यहां पर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा ये रिजेक्शन लेवल था ये रिजेक्शन लेवल था यहीं पर सपोर्ट लिया गया अब दोबारा इस जोन के आसपास आता है देखो एक्शन यहां पर आपको समझना पड़ेगा ये गैप अप खुला यहां से रिजेक्शन लिया दोबारा इस लेवल से मार्केट आया तो स्ट्रगल कर रहा था फाइनली एक ब्रेकआउट मिला तो यहां से अपने को एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली तो ये कहीं कही ना कहीं जो लेवल है फोर्टी एट टू हंड्रेड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले कर सकता है उसके बाद लेट से दूसरा जो एक यहां पर सिक्स वन लेवल है ये आपको फोर्टी सेवन नाइन सिक्स दिखा रहा है बट अपने फोर्टी एट थाउजेंड पर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये हमारा राउंड नंबर है तो ये वाला जो जोन है ये फोर्टी को डिफेंड करने के लिए यह फोर्टी एट को नहीं आने के लिए यहां पर डिफेंड कर सकता है ये फोर्टी को ब्रेक नहीं करने के लिए यहां पर डिफेंड कर सकता है उसके बाद वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इसका वो यहां है इसको हम हटा देते हैं अगर यहां अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे इस जोन के आसपास यहां देखो क्या हुआ मार्केट नीचे की तरफ आया यहां रिजेक्शन ले रहा है यहां रिजेक्शन ले रहा है यहां पर गैप अप खुला ये सपोर्ट लिया तो मतलब ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया अपना फोर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिंपल दो तीन आपको मैंने यहां पर सपोर्ट लेवल बताया फोर्ट एट टू हंड्रेड फोर्टी एट थाउजेंड एंड फोर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये गैप डाउन वाले लेवल है जहां पर हम सपोर्ट के हिसाब से बाइंग देख सकते हैं या लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ खुल गया रिट्रेसमेंट आता है तो हम लोग इसको एज एन टारगेट के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं ठीक है ये हो गए सिंपल सा पॉइंट अपना अब अपने को सेलिंग कैसा करना है तो देखो ये मैंने क्या किया टॉप से लेके बॉटम तक ये मैंने फिर उन्होंचे डॉ किया तो ये जो सारे जोन ना है ना ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट अगर समझो नीचे खुलता है तो फिर अगेन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको फिर मैं वहां पर लेवल्स बता दूंगा कि अब ये कहीं ना कहीं बैठे हुए एज ऑफ नगर मैं फ्लैट पकड़ के बैठता हूँ कि यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये वाला जोन यहां पर अगर, अगर आप ध्यान दोगे ये थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर लेता हूं ऐसा ओके और इसको ना मैं हटा देता हूं यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि फिफ्टी परसेंट वाला लेवल अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया गैप डाउन हुआ गैप डाउन खुलते हुए इसी जोन पे रिजेक्शन और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एज ऑफ नाउ दैट इज फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का यहां पर फोर्टी नाइन थाउजेंड फिफ्टी अचीव करते हुए दिखा सकता है जब तक इसके नीचे है सेल ऑन सेल ऑन सेन सेल ऑन राइ प्लान होना चाहिए नीचे वाले सपोर्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है फोर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट थाउजेंड एंड फोर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ओके अब अगर हम बात करें ऑप्शन चेन डेटा की तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ अभी हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया है हमने डिस्कस किया ऊपर वाला लेवल कौन सा 48,800 वाला लेवल करेक्ट अब 48,800 पे यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ये देखो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर ऑप्शन कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया गया तो इसलिए मैं आप आपको कह रहा हूं कि अगर फोर्टी एट थाउजेंड को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं अगेन एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है और ये लोग यहाँ पर पैनिक कर सकते हैं करेक्ट अगर हम नीचे की बात करें नीचे का लेवल कौन सा हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया नीचे का हमने लोग यहाँ पर लेवल डिस्कस किया फोर्टी जो कि तकरीबन यहां कहाँ आके बैठा हुआ है 48,200 अच्छा इसमें अगर जैसे मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बताया कि गैप डाउन खुलता है तो अपने को एक रिट्रेसमेंट का यहां पर वेट करना पड़ेगा क्यों रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा उसके पीछे मैं आपको सेम ऑप्शन चेन के ऊपर भी समझाता हूं अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे डेरस फोर्टी पे लगभग साठ हजार कॉन्ट्रैक्ट एक्ज हुए थोड़े बहुत बट साठ हजार कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लोगों ने इन द मनी में जाके पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया है अब ये पुट ऑप्शन की जो वैल्यू है वो फोर है नॉ लेट्स अज्यूम कि कल बैंक निफ्टी अपना तीन सौ पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो ये लोग पैनिक करेंगे डेफिनेटली पैनिक करेंगे ये क्या चाहेंगे कि गैप डाउन खुला है लेट से कल मार्केट यहां क्लोज हुआ आज गैप डाउन खुला जैसे ही रिट्रेसमेंट आया रिट्रेसमेंट आया तो ये लोग पहले एग्जिट करेंगे और ये लोग एग्जिट करेंगे तो अपने को फिर डाउन साइड मोमेंटम यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर बनते हुए दिख सकता है तो इसलिए अगर गैप डाउन खुलता है वेट फॉर रिट्रेसमेंट एंड फिर मार्केट यहां पर आपको नीचे आते हुए दिखा सकता है अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो निफ्टी में कुछ जैसे खास आपको यहां पर दिखेगा नहीं यहां पर बहुत सेफ प्ले किया गया ऑप्शन के ट्रेडर्स के द्वारा अगर आप यहां पर ध्यान दोगे जो दूर दूर के कॉल ऑपपुट ऑप्शन है जैसे कि ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड यहां पर आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो मतलब ये इतना सात को क्रॉस करेगा तो जाके यहाँ पर मोमेंटम मिलेगा क्लोजिंग हुआ है लगभग ट्वेंटी टू फाइव प्लस सौ पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है तो ट्वेंटी टू फोर वाला लेवल हो गया तो सात वाले लोग सेफ बैठे हैं और नीचे में अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो जो बड़ा ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट यहाँ पर जो ओवर डेटा है वो सीधा ट्वेंटी के आसपास है तो अगेन क्लोज हुआ है 500 के आसपास 400 पे भी खुलता है तो भी ये लोग कहीं ना कहीं सेफ जाके बैठे तो यहां पर थोड़ा सेफ प्ले किया गया कंपेयर टूवली बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में 49,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है अगर थोड़ा बहुत वो लोग स्ट्रेडल लो से कवर भी करते हैं बट स्टिल 60,000 ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा माना जाएगा क्यों क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर मंडे के दिन पे देखो वेन्नडे के, के दिन मार्केट छुट्टी है मंडे के दिन पे अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट आएगा ना वो लोग लो पहले एग्जिट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि चार का प्रीमियम है गैप डाउन खुल रहा है तो कम से कम दो पॉइंट और एड हो जाएगा तो इन लोगों का बड़ा स्टॉप लॉड हो सकता है एक बार रिट्रेसमेंट आएगा तो ये लोग पहले भागेंगे ये लोग भागेंगे तो हम लोग अपने रिट्रेसमेंट सेल लेट से गैप डाउन खुला रिट्रेसमेंट हुआ तो हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और नीचे का हम लोगों का वन एन ए का हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं आई होप द पॉइंट इज क्लियर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग विल सी द नेक्स्ट वीडियो